हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास थर्ड की पोयम लिटिल बाय लिटिल। इस पोयम में ऊपर आप देखेंगे तो एक बहुत ही प्यारा सा मैसेज दिया गया है, इवन द बिगेस्ट ट्रीज बिगिन लाइफ एज टाइनी सीड्स, कि जो बड़े विशाल पेड़ होते हैं वो भी अपनी लाइफ की शुरुआत एक छोटे से बीज से करते हैं। तो इससे हमें ये मैसेज मिलता है कि धीरे धीरे हम सीखेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो चलिए इस पोयम को स्टार्ट करते हैं। लिटिल बाय लिटिल एन एकॉर्न सैट, एक एकॉर्न है जो कि ओक का बीज होता है, वो थोड़ा थोड़ा अपने बारे में बता रहा है। क्या बता रहा है? As it slowly sank its in its mossy bed, वो धीरे धीरे से, sank meaning होता है डूबना, वो डूब रहा है mossy bed, mossy bed मतलब जो कीचड़ का उसका बेड है वो उसके अंदर धीरे धीरे से डूब रहा है। I am improving every day, ओक बोलता है कि मैं हर दिन इम्प्रूव कर रहा हूँ। हिडन डीप इन द अर्थ अवे, मैं अर्थ पृथ्वी के अंदर, डीप यानी गहराई में, हिडन का मतलब होता है छुपा हुआ, मैं पृथ्वी में के गहराई में छुपा हुआ हूँ। लिटिल बाय लिटिल ईच डे इट ग्रू, और थोड़ा थोड़ा करके वो हर दिन बड़ा हो रहा है, बढ़ रहा है। लिटिल बाय लिटिल इट सिप द ड्यू, और थोड़ा थोड़ा वो ओस की बूंद, ड्यू का मीनिंग होता है ओस की जो बूंदें होती हैं उसे हम ड्यू बोलते हैं। सिप, सिप्ट का मतलब होता है पीना, तो ओस की जो बूंद है वो उसे थोड़ा थोड़ा करके पी रहा है। डाउनवर्ड इट सैंड आउट अ थ्रेड लाइक रूट, ओक के नीचे से धागे जैसे रूट्स जो हैं वो निकल रहे हैं और वो बढ़ रहे हैं। अप इन द एयर स्प्रैंग अ टाइनी शूट, और मिट्टी के ऊपर एयर का जो हिस्सा है वहाँ पर जो छोटी छोटी सी टहनियाँ हैं, शूट मतलब होता है बेटा टहनियाँ, स्प्रैंग मतलब होता है बढ़ रही हैं, उग रही हैं। डे बाय डे एंड ईयर बाय ईयर, जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, साल बीत रहे हैं, लिटिल बाय लिटिल द लीव्स अपीयर, थोड़ा थोड़ा करके जो उसकी लीव्स हैं वो भी क्या होने लगी हैं, दिखाई देने लगी हैं। एंड द स्लेंडर ब्रांचेस स्प्रेड फार एंड वाइड, स्लेंडर का मतलब होता है बेटा पतली, थिन ब्रांचेस, उसकी जो टहनियाँ हैं वो पतली पतली टहनियाँ स्प्रेड फार एंड वाइड, यानी वो फैल रही हैं दूर दूर तक। टेल द माइटी ओक इज द फॉरेस्ट प्राइज, वो बोलता है कि मैं जब तक बढ़ता रहूँगा, जब तक कि मैं फॉरेस्ट का राजा की तरह एक विशाल रूप, एक गौरव से मैं खड़ा नहीं हो जाता, तब तक मैं फैलता रहूँगा। ठीक है, तो बच्चों आई होप आप सभी को ये पोयम समझ आई है। तो इस पोयम की हिंदी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर एंड होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स और वर्ड मीनिंग के बारे में पढ़ेंगे। सो बी रेडी फॉर योर नेक्स्ट वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। एकेडमिक स्टडी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।